गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उद्योगों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आप लोगों को मैंने काफी सारा उद्योग के बारे में बताया था, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों ने उसको समझा होगा अच्छी तरह से, अपने नोटबुक में जितना भी समझ में आएगा आपने लिखा होगा। अगला आप लोगों का है, एक इसमें है आप लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के घर में कभी किसी ने बात किया होगा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। कौन से? मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उसी मल्टीनेशनल कंपनी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी करते हैं। इसका समझना बिल्कुल आसान है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपको एग्जाम में हमेशा, लेकिन इसको समझना बहुत आता है। बहु मतलब बहुत, और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र यानी देश, यानी बहुत सारे देश, यानी वैसी कंपनी जिसका मुख्यालय यानी जिसका आपको हेड ऑफिस किसी एक देश में रहता है, वैसी कंपनी जिसका आपको हेड ऑफिस मेन ब्रांच एक देश में रहता है, लेकिन उसका बिजनेस विश्व के बहुत सारे देशों में चलता है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको मारुति कंपनी है, तो मारुति कंपनी, जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी का मेन ब्रांच आपको इंडिया में है, लेकिन वो विश्व के कई देशों में अपना व्यापार करती है, उद्योग स्थापित की है। जैसे बहुत सारे मोबाइल है, जैसे मान लीजिए वीवो है, या आपको और भी बहुत सारे एप्पल मोबाइल है, तो इसका आप लोगों का केंद्र या ये कहें कि इसका हेड ऑफिस किसी एक देश में है, लेकिन ये विश्व के कई देशों में उद्योगों की स्थापना की है, कंपनी का स्थापना की है, और उस कंपनी से वहां पर उत्पादन किया जाता है और उसका नियंत्रण उसका हेड ऑफिस करता है। उस कंपनी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वैसी कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में व्यापार हो, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी एक से अधिक देशों में जिस कंपनी का व्यापार प्रसार हो, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इजी है इसको समझना, आप लोग इसको लिख के आप समझ के लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रदूषण। इन कंपनियों, जितने भी हमारे फैक्ट्री हैं, जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं, इनसे बहुत अधिक मात्रा में आपको प्रदूषण भी होती है। तो अगला टॉपिक है प्रदूषण, तो प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है आप लोगों को वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण तो आप लोग सब जानते हैं, वायु प्रदूषण यानी हवा में ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हवा के माध्यम से, और उस हवा में जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको दम घोंट गैस भी कहते हैं, उस प्रकार की गैस या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। भारत की जो भी क्षेत्र है, कंपनियों वाले औद्योगिक जो भी क्षेत्र है, आपको गुजरात, मुंबई, दिल्ली, मेरठ, या आपको दक्षिण भारत के बहुत सारी आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। हमेशा सुनने में आता है कि दिल्ली में प्रदूषण हो जाने के कारण वहां पर बादलों का रूप ले लिया है प्रदूषण, और वहां पर 4 दिन की छुट्टी कर दी गई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए कि जब कंपनियों का जो चिमनी होता है, उस चिमनी में बहुत सारे मात्रा में वायु प्रदूषण होता है, यानी उसमें बहुत सारे विषैले गैस वायु में फैलते हैं, पर्यावरण में फैलते हैं, और वो वायु प्रदूषण पाला है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोंट गैस भी कहते हैं, CO, तो उससे बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण फैलने की संभावना रहती है और फैलता भी है। इसलिए हमेशा दिल्ली में सुनने में आता है कि वहां पर 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है वायु प्रदूषण के कारण, दम घुट रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इस वायु प्रदूषण। अगला आप लोगों को है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण,
जाते हैं, यानी जल में आर्सेनिक या जल में और भी दूषित पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जितने भी कंपनी है, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, उसमें से गंदा पदार्थ जो होता है वो बहुत ज्यादा निकलता है और वो धीरे से नदियों में, नालों के द्वारा नदियों में, तालाबों में फैला दिया जाता है, समुद्रों में गिराया जाता है, तो उससे जल प्रदूषित होता है। जल में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं और वो पीने लायक जल नहीं रह पाता है। बहुत अत्यधिक मात्रा में गंदा जल प्रवाहित किया जाता है नदियों में, तालाबों में, तो वो जल प्रदूषण करता है। लेकिन आने वाले समय धीरे धीरे उस जल को टेक्नोलॉजी के सहायता से उस जल को भी पीने योग्य बनाकर रिसाइकल किया जा रहा है, यानी उसको चक्र बना दिया गया है। कचरा निकलता है गंदा पानी और उसको फिर रिसाइकल मशीनों के द्वारा करके पीने लायक पानी बनाकर सप्लाई किया जाता है पीने के लिए। इस तरह के आने वाले समय में हो रही है, लेकिन जल प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा निकलता है और सब नदी तालाबों झीलों में बहाया जाता है, जिससे वहां जलीय जीवों को नुकसान है और लोगों को भी, हमारे लिए भी जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण बच्चों, आप लोग अगर शहर में रहते हैं तो ऐसे ही गाड़ी का देखिएगा, गाड़ी गाड़ी का हॉर्न या गाड़ी का आवाज इतना बहुत शोर अधिक मात्रा में होता है। या आप किसी छोटे से कंपनी के पास से गुजरिए, आपको पता चल जाएगा वहां कितना शोर होता है। मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो चलती हैं, जो बहुत मात्रा में ध्वनि करती हैं, मशीनों के रगड़ से ध्वनि होता है, तो वो ध्वनि कान के पे बहुत ज्यादा जोर डालता है, जिससे एक अलग प्रकार का शोर उत्पन्न होता है और वो ध्वनि प्रदूषण करता है। तो आसपास के जो कंपनियों में काम करने वाले जो होते हैं, जो कंपनी के अंदर काम करने वाले, जहाँ मशीन बड़े बड़े चलते हैं, वो अपने समय से पहले बहरे हो जाते हैं। इतना ना अधिक शोर होता है कि वहां समय से पहले वो बहरे हो जाते हैं, सुनाई उनको कम देने लगता है समय से पहले, जो लोग भी वहां काम करते हैं। तो वहां पर मशीनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण बहुत ही अधिक होती है। जैसे आप लोग देख लीजिए, जब यहाँ लाइट है तो लाइट आपका आवाज नहीं करते, लेकिन जैसे लाइट करते हो आप जनरेटर स्टार्ट कर दीजिए, जनरेटर देखिए कितना शोर करता है। हमारे यहाँ मोटर का पानी चलता है, मोटर पानी कितना शोर करता है, तो ये शोर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण, तापीय मतलब है ताप, गर्मी, उष्मा। ये सही बात है, जहां पर मशीनें लगातार चलती रहेंगी, आपने देखा होगा जो मशीन लगातार चलता है वो हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, तो उसके जहां कंपनी चलती है उसके आसपास का क्षेत्र बहुत ही गर्म रहता है, या उसके कंपनी के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर काम करने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा ताप सहन करते हैं, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा ताप होता है। उसमें आप लोग देखे होंगे, आप लोग गाड़ी देखे होंगे या मशीनों को देखे होंगे, मशीनों चलने के लिए उसको ठंडा करने के लिए उसके पानी डाला जाता है, उसके रेडिएटर में पानी डाला जाता है ताकि मशीन ठंडा रहे। क्यों? क्योंकि मशीन चलते चलते बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा उष्मा छोड़ता है बाहर, और उससे अगल बगल के क्षेत्रों में भी ताप फैलता है, गर्मी उष्मा फैलती है, गर्मी होने लगती है, तो ये तापीय प्रदूषण भी कंपनियों के पास होता है, या कंपनियों के अंदर तो सबसे अधिक होता है, कंपनियों के बाहर भी तापीय प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। अब है आपको प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो प्रदूषण के नियंत्रित करने का उपाय निम्न दिया है, प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय पहला दिया है विभिन्न स्थानों में कूड़ा कचरा जमा करना, यानी जहां भी आपको कंपनियों द्वारा ऐसे कूड़े कचरे हैं वो शहर से हटाकर कुछ ऐसे जगह पर ले जाएं जहां बस्ती नहीं हो, जहां रहने वाले लोग नहीं हो, और वहां कूड़ा कचरे को जमा करना और उसका ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना जिससे उसका रिसाइकल किया जाए, जिससे फिर उस कचरे से नया कोई पदार्थ बनाया जाए, तो ये हमारे लिए इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। या कूड़े कचरे का निपटाना,
कूड़े चक्र कूड़े कचरे को जितने कूड़े कचरे हैं निकल रहे हैं उसको भूमि में गड्ढा खोदकर और उसके नीचे उसको दबा देना, ताकि वायु प्रदूषण या जल में बह कर ना जा पाए और उसको उससे हम उस सब चीज को रोक सकते हैं। उसके बाद औद्योगिक जो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक जल निकलता है, धुआं निकलता है, वहां वैसे परिसर बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना जो आपको प्रदूषण को कुछ कम कर सके, नदियों का रिसाइकल करना, एक जगह रिफाइन कर देना, उसके कचरे को एक जगह साफ कर देना ताकि वो पानी में बह के ना जाए, जिससे वहां पर आपको प्रदूषण ना हो। इस तरह उसका उचित प्रबंधन, उचित तरीका, मैंने आप लोग देखा है, मैंने विशाखापट्टनम में एक बार कि कचरा जो निकलता है बहुत बड़ा नाला के बराबर नदी लगता है, नदी है वो कचरा उस कंपनी का, लेकिन उसमें लगाया क्या है आपको मशीन जो उस पानी को कचरे को रिफाइन करके पीने लायक पानी बनाता है, उस कचरे को वहीं पर समाप्त कर देता है, फिर वो कंपनी में पानी चला जाता है, फिर वो कचरा होता है, रिसाइकल बना हुआ है। तो इस तरह के आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना, इस तरह का प्रबंधन को अपनाना, इस तरह की व्यवस्था को अपनाना जो इन सारे प्रदूषणों को आपको कम कर सके, इन प्रदूषणों से कम क्षति हो, कम से कम प्रदूषण हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाना। यही कारण है कि आपको दिल्ली में सारी कंपनियों को दिल्ली क्षेत्र से हटाकर दिल्ली से दूर कर दिया गया है, ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम हो। दिल्ली के पूरे जोन में आप लोगों को पौधारोपण अभियान चलता है, वहाँ पर जगह 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 पौधे लगाए जाते हैं, आप वहाँ के पेड़ के पौधों को काट नहीं सकते हैं, वैसा नियम बना है, वैसा कानून है। तो इस तरह का उपाय किया गया है कि हम हर तरह के प्रदूषण को कम कर सके। इस वीडियो में आप लोगों का ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया, अब इसमें सिर्फ आप लोगों का प्रश्न उत्तर हो गया है, मैंने जितना बोला, अगर इसमें से आपको प्रश्न में से कोई प्रश्न का उत्तर निकलता है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, गारीकरण है, सार्वजनिक निजी उद्योग है, इन सारे चीजों में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग देख के मेरा पिछला वीडियो देख के ये वीडियो देख के आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, किताब की मदद भी ले सकते हैं, नोट्स भी सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर कराऊंगा, इसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न है उन सबका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आप लोग प्रश्न का होगा, और इसको जो भी प्रश्न है ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, आप उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्न उत्तर कराऊंगा, तब हम अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। धन्यवाद।